हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्किल परफेक्टली। और आज इस वीडियो में देखने वाले हैं फ़ैन की अनबॉक्सिंग और फिटअप कैसे करते हैं। तो ये हमारे पास ये कंपनी का, हमारे सामने ये एक्सपर्ट कंपनी का फ़ैन है, इसको हम ओपन करते हैं। इसमें देखिए, ओपन करने के बाद कुछ ये एक्सेसरीज है जो कि बॉक्स के अंदर आई है साथ में। उसके अंदर फ़ैन का कवर और ये फ़ैन का रॉड और ये हमारा सीलिंग फ़ैन हेड एक बॉक्स में है, और दूसरा हमारा ब्लेड का बॉक्स है। इसको हम ओपन करके फिटिंग करने वाले। बॉक्स को हम बाजू में रख के एक्सेसरीज को अलग अलग करके अभी फिटअप करने वाले हैं। ये साथ में आई हुए फ़ैन की ब्लेड है और ये दो उसके अंदर ऊपर के टॉप है, टॉप कवर जो फ़ैन के ऊपर लगते हैं, और ये उसके साथ में आया हुआ रॉड है जिससे हम फ़ैन लटकाते हैं। तो चलिए को ओपन कर हम फिटिंग करेंगे इसकी। तो सबसे पहले हम इसको, हमारे जो फ़ैन का हेड है उसको हम जो रॉड है उसको कनेक्ट देंगे। उसके बाद हम जो कवर आते हैं साथ में उसको कनेक्ट करने वाले हैं। उसके बाद ब्लेड्स को एक एक करके फिट करने वाले हैं। और ये हमारे पास एक वायर है जो सप्लाई देने के लिए ज़रूरी है, उसको हम कनेक्ट करने वाले हैं। तो चलिए इसको हम फिट कर देते हैं। फ़ैन फिटअप के लिए हमारे पास कुछ टूल्स है, वायर स्ट्रिपर वायर को छीलने के लिए, और पाना वगैरह टाइट करने के लिए नट्स और पेच स्क्रू ड्राइवर वगैरह है, छोटे बड़े जो भी लगते हैं हमारे पत्तियों को फिट करने के लिए। तो यहाँ पे हम अभी पाइप को फिट कर देंगे फ़ैन के इसमें, और इसको नट को कस के अच्छी तरह से फिट कर देंगे। इसकी मैं प्राइस की बात करूँ तो ये फ़ैन लगभग 1300-1400 के आसपास के प्राइस रेंज में है। अच्छे क्वालिटी का है और काफ़ी लंबा चलता है, और इसके साथ हमको 2 साल की वारंटी भी मिल जाती है। तो हम इसको पाना से अच्छी तरह से नट को कस देंगे, और अच्छी तरह से कसने के बाद हम, और जो भी नया फ़ैन आता है दोस्तों, उसमें जो भी फिटअप करते हैं उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उसमें कैपेसिटर और वायर की जो भी कनेक्शन है वो पहले से लगे आते हैं, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। हमने डंडी को लगा दिया है और ऊपर से जो फ़ैन के कवर होते हैं दो उसको भी लगा दिया है, और नीचे से उसमें वायर को बाद में लगा देंगे। अभी हम फ़ैन के तीनों पत्तियों को फिट करने वाले हैं। तो एक एक करके सबको नट लगा देंगे और उसके बाद फिट कर देंगे सबको। उसके बाद हम सबको बारी बारी से स्क्रू ड्राइवर से कस देने वाले हैं। तो कसने के बाद इसको हम बारी बारी से स्क्रू ड्राइवर से कसने वाले हैं। कस देने, अच्छी तरह से कसना है, फैन की ब्लेड लूज़ नहीं होनी चाहिए। इस फ़ैन को हम लकड़ी के सीलिंग पे लगाने वाले हैं जो कि टीना का है, उस पर लकड़ी फिटिंग है। तो इस पर हम लकड़ी पे फिट करने वाले हैं। तो इसलिए हम ये वायर का जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो पहले से काफ़ी लंबा करने वाले हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह से फिट अप नहीं है, इसलिए हम उसको डायरेक्ट सॉकेट में फिट उसका कनेक्शन करने वाले हैं। तो हम इसके वायर का कनेक्शन करने वाले अभी। तो नीचे से जो होल होता है उसमें से हम वायर को डाल देते हैं और ऊपर की ओर ढकेल देते हैं और पूरा वायर निकाल देते हैं। उसके बाद जो दो पॉइंट होते हैं कनेक्शन के, उसमें हम वायर का कनेक्शन अच्छी तरह से कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। जो भी नए फ़ैन आते हैं
उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, उसमें ऑलरेडी कनेक्शन बना हुआ होता है, तो हमको जो 2 पॉइंट मिलते हैं कनेक्शन के वो ऑलरेडी फिक्स होते हैं कि हमको कुछ भी दिक्कत ना हो, इसलिए कंपनी अच्छी तरह से फिटअप कर देती है। हमको डायरेक्ट 2 वायर का कनेक्शन करके हम उसको सप्लाई देके चालू कर सकते हैं। तो हम इसमें दो वायर का कनेक्शन करने के बाद हम इसको सीलिंग को फिट करने वाले हैं। तो इससे पहले हम जो भी सीलिंग को फिट करने वाले हैं तो उसको जो क्लिप आती है उसको फिटअप करना है, तो वो अच्छी तरह से कस लेना है उसको, क्योंकि वो सीलिंग को फिट करने के जो भी हम क्लैंप लगाने वाले हैं वो इसी पे लगेगा, इसलिए हम इसको अच्छी तरह से कस लेंगे। ये कंपनी की ओर से ही आता है दोस्तों। तो इसको फिटअप करने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि सीलिंग पे हमने कैसे फिटअप कर दिया है। इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। ये हमने सीलिंग पे फैन फिटअप कर दिया है दोस्तों। हम इसको चालू करके भी दिखा देंगे आपको। ये देखिए दोस्तों, हमारा फ़ैन एकदम अच्छी तरह से फिट हो गया, ये चालू चलने भी लगा है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।